सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। मसूरी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ट्रैफिक जैम और ओवर कमर्शलाइज होने के कारण मसूरी ने अपना आकर्षण खो दिया है। इस वजह से दोस्तों हमने मसूरी के पास कुछ ऑफबीट और शांतिपूर्ण डेस्टिनेशन की तलाश शुरू की। मसूरी के करीब होने के कारण हमने लैंडौर को चुना। लैंडौर देखिए 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो मसूरी से करीबन आपका 1,000 फीट ऊपर है। भले ही लैंडौर मसूरी के इतने करीब स्थित है, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी भी उतना ही पीसफुल, अनएक्सप्लोर्ड और अनटच्ड है। लैंडौर इज बेयरली 3.5 किलोमीटर फ्रॉम द पिक्चर पैलेस ऑन मॉल रोड। आज़ादी के समय दोस्तों लैंडौर में 24 घर थे और आज भी उतने ही घर हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, 24 मकान और 4 दुकान, इतना ही है लैंडौर। और दोस्तों लैंडौर ने इतने दशकों से अपनी सुंदरता और जंगल बरकरार रखे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, नेटी पहाड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी जो नेटी पहाड़ी जर्नी की शुरुआत हुई थी वो हमने मसूरी लैंडौर से की थी, और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं लैंडौर। बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लेस है। सबसे पहले देखिए, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये ओल्ड मसूरी शहर बसा हुआ है, काफ़ी ये अच्छा लगता है। और जो लैंडौर जाने का रास्ता है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको लैंडौर के लिए आना है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ लैंडौर आप कैसे आ सकते हैं। मसूरी से आपका जो टोल गेट है वहाँ से करीबन ये 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका लैंडौर पड़ता है। वहीं अगर आप देहरादून से अगर आ रहे हैं तो आपका 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लैंडौर पड़ जाता है। चलिए अब मैं थोड़ा आपको लैंडौर शहर के बारे में बता देता हूँ, साथ ही साथ आप मेरे साथ व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से खास तौर पे जो आपका व्यू है वो काफ़ी स्पेक्टेकुलर लगता है, जो सीनिक व्यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ से। अब लैंडौर जो था फ्रेंड्स, अंग्रेजों के ज़माने में बसाया गया था। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी इन्होंने ही लैंडौर को बसाया था एज एन सैनिटोरियम। अभी यह सैनिटोरियम क्या था कि उस दौरान काफ़ी महामारियाँ फैला करती थी, तो अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने इस सैनिटोरियम यानी कि लैंडौर की स्थापना करी। मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करी गई जिसके द्वारा जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। तो काफ़ी आप देखेंगे जब हम वहाँ पर जाएंगे तो कुछ प्लेसेस हैं, जैसे चर्चेज आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फेमस दुकान हैं, सिस्टर बाजार है। मैं बताऊँगा उसको सिस्टर बाजार क्यों कहते हैं। तो वो सब अंग्रेजों के द्वारा ही बसाया गया था, यानी कि ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। कंप्लीट डिटेल्स आपको हम देने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नेटी पहाड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले नेटी पहाड़ी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की एक्साइटिंग ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये मसूरी मॉल रोड का बैक टोल गेट है। अगर आप मसूरी मॉल रोड में स्टे कर रहे हैं तो आपको इस बैक टोल गेट पे आना है। इसे एज एन लैंडमार्क आप ले सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे अगर आप देख रहे हैं सीधा रास्ता हमें लैंडौर लेके जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस टोल गेट के सामने ही हमें टू व्हीलर्स भी मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए आप टू व्हीलर्स एज एन रेंट पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप ये टू व्हीलर्स एज एन रेंट पे ले सकते हैं। ये टू व्हीलर्स आप देखिए, स्कूटी का 400 से 500 और बाइक का 1000 तक, 800 से 1000 के बीच में पड़ जाएगा। अब देखिए, इस रोड पे हमें आगे बढ़ना है और ये रोड हमें लेके जाएगी लैंडौर। ये है लैंडौर का क्लॉक टावर यानी कि घंटाघर। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश एरा में इस लैंडौर क्लॉक टावर से आगे जाना अलाउड नहीं था। यहाँ से दोस्तों लैंडौर का मेन रास्ता शुरू होता है और आप देख सकते हैं कितना नैरो और कितना स्टीप है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, अगर आप भी लैंडौर आ रहे हैं ना, तो स्कूटर का इस्तेमाल करें, टू व्हीलर्स का इस्तेमाल करें, या तो अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो बाय वॉक यानी कि पैदल भी आ सकते हैं। पीक सीजन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैम लग जाता है, जिसका कारण है कार्स। देखिए, लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस रास्ते पे ले आते हैं जिसके वजह से जाम लग जाता है। टोल गेट से 2 किलोमीटर ऊपर आते ही डोमा दिख गया, जो हमारी लैंडौर की बकेट लिस्ट में था। अब देखिए फ्रेंड्स, डोमा एक टिबेटियन रेस्टोरेंट है जो अपने टिबेटियन ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए जाना जाता है। हालांकि इसे बने हुए अभी 10 साल ही हुए हैं, जो मेरे ख्याल से 2000
2011 में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन यहाँ खाना तो बनता ही था दोस्तों। जितना भी हमने नाम सुना है डोमा का, तो उसके लिए तो यहाँ पर आना बनता ही था। अब देखिए, इसके बाहर जो आपको ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, कलर्स आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, डोमा रेस्टोरेंट के बगल में ही रस्किन बॉन्ड, जो कि एक महान राइटर हैं, उनका घर भी है। बट इस टाइम बिकॉज ऑफ कोविड उनसे नहीं मिला जा सकता। हालांकि जब सिचुएशन ठीक हो तो आप भी उनसे मिल सकते हैं दोस्तों। अभी के जो इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर है, इंटीरियर डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कलरफुल, और जो डेकोरेशन की गई है ना, वो काफ़ी मुझे पसंद आई है दोस्तों। डोमा एक होम स्टे भी है जिसमें 6 से 7 रूम्स हैं। अगर आप मसूरी के भीड़भाड़ वाले जगह से अलग हट के रहना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। कि अंदर का जो डाइनिंग एम्बियंस है दोस्तों, ये काफ़ी फिल्मी है। देखिए, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ के पोस्टर दीवारों पे लगाए गए हैं, जो आपको भी कुछ टाइम के लिए, यकीन मानिए, फिल्मी तो बना ही देंगे। डोमा की जो सिग्नेचर डिश है वो है आपकी रैमन। देखिए, हमने अपने लिए वेज रैमन मंगाया था। अगर आप नॉन वेज में मंगाना चाहते हैं तो आप चिकन रैमन या मटन रैमन भी मंगा सकते हैं। अब देखिए, जो ये वेज रैमन है ना, इसमें गोभी, कॉर्न्स, मशरूम, पनीर और लोकल हर्ब्स डाले जाते हैं, जिससे इसका जो टेस्ट है ना, काफ़ी एनहांस हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, देहरादून वाले हैं तो इसके अलावा हमने अपने लिए वेज फ्राइड मोमोज भी मंगाए थे, और साथ ही साथ चिकन मोमोज का भी जायका लिया। अब देखिए, मोमोज का जो टेस्ट है वो ठीक था, मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो रैमन के साथ साथ मोमोज भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मसूरी के इतने करीब स्थित होने के बावजूद लैंडोर इतना शांत क्यों है। देखिए, लैंडोर हमेशा छावनी क्षेत्र, मतलब कैंट एरिया का पार्ट रहा है, और कैंटोनमेंट एक्ट 1924 के अकॉर्डिंग जितने भी पेड़ पौधे हैं मिलिट्री के अंदर ही आते हैं, सो किसी भी प्रकार का नया निर्माण यहाँ पर अवैध है। देखिए, परिणाम स्वरूप पिछले 100 सालों में लैंडोर में वनों की कटाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, और इसीलिए 1924 से लैंडोर में जो बिल्डिंग या रेसिडेंशियल मकान है ना, सब लिमिटेड या आप कह सकते हैं सीमित ही बनाए गए हैं दोस्तों। ये है केलॉग मेमोरियल चर्च। देखिए, इसका निर्माण ब्रिटिशर्स द्वारा 1903 में कराया गया था। देखिए, उस जमाने में इसको लैंडोर लैंग्वेज स्कूल के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे हिंदी सीखा करते थे। अब देखिए, आज के वक्त में अगर आप बात करें तो अभी भी ये जो लैंग्वेज स्कूल है ये फंक्शनल है। इस समय यहाँ पर हिंदी के अलावा संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और साथ ही साथ हमारी जो लोकल पहाड़ी लैंग्वेज है, जिसे हम गढ़वाली के नाम से जानते हैं, वो भी सिखाई जाती है। ये जो चर्च आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका लाल टिब्बा रूट पे पड़ता है। तो यहाँ से आपका लैंडोर एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए, अगर आप देखेंगे जो ये रोड ये जा रही है, ये आपका रॉक बाय मैन्योर, जो एक आपका होम स्टे है या फिर आप कह सकते हैं एक होटल है, वहाँ के लिए चले जाती है। मेरे पीछे आप ये चर्च देख रहे हैं, पॉल्स चर्च लैंडोर। ये अगेन देखिए, वन ऑफ दी फेमस और काफ़ी ओल्ड चर्च है लैंडोर का। ब्रिटिशर्स के ज़माने में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो अभी भी आप कह सकते हैं, देखिए, बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है इसका और डिज़ाइन है। अब देखिए, इस तरफ को अगर आप ध्यान दें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो लैंडोर की फेमस 4 दुकान है, वो इस प्लेस को कहा जाता है। अब जो 4 दुकान, तो देखिए, अब तो रहनी से ज़्यादा ही दुकानें यहाँ पर बन चुकी है, तो कुछ एक्स्ट्रा 2-3 दुकानें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो डिज़र्ट्स अपने एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि, मतलब मैं आपको बताऊँ तो मफिन्स हो गया, फिर आपका केक्स वगैरह आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पार्किंग की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, तो ओवरऑल इस प्लेस पर आप स्टे कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और एंजॉय कर सकते हैं। सेंट पॉल चर्च दोस्तों, सेंट पॉल चर्च लैंडोर का सबसे पुराना चर्च है। इसका निर्माण 1839 में किया गया था दोस्तों। अगर आपको 1857 की, यानी कि 1857 की क्रांति याद है ना, जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं, जो ग्रेट मंगल पांडे के कारण याद रखी जाती है, उस दौरान ये पहला चर्च था जिसके अंदर जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे, उनकी राइफल्स को रखना अलाउड किया गया था। देखिए, क्योंकि उस समय राइफल्स काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रही थी, तो ये पहला चर्च बना था जिसमें राइफल्स अलाउड की गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारे बॉलीवुड साहित्य के
ग्रेट एक्टर थे लेट टॉम अल्टर सर, उनकी भी यहाँ पर शादी हुई थी। साथ ही साथ जिम कॉर्बेट जो थे उनके भी पेरेंट्स की यहाँ पर शादी हुई थी। चार दुकान। दोस्तों जैसे नाम से ही पता चलता है चार दुकान लैंडोर में चार दुकानों की एक कतार है। यहाँ पर खाने के लिए आपको डिलीशियस पैनकेक, मफिन्स, पकोड़ा, बन आमलेट, सैंडविच और पराठे, इसके साथ साथ मैगी और कॉफ़ी भी मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये दुकानें हैं इनमें से दो दुकान काफ़ी पुरानी हैं, जिनमें से एक है ये टिपिन टॉप टी स्टॉल। अब अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये आपकी 100 साल से भी पुरानी शॉप है। इसके साथ साथ आपकी अनिल कैफ़े भी है जो भी करीबन आपका 50 साल से पुरानी शॉप आप कह सकते हैं। तो काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी पुरानी ये शॉप है लैंडोर में। इस टिप एंड टॉप शॉप में दोस्तों काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए हैं और जो यहाँ पर जो भी आइटम बनाते हैं वो आपके सामने फ्रेश ही बनाया जाता है। इसके साथ में ही आपको दोस्तों एक छोटा सा पार्क भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो अपना जो मील है यहाँ पर लेके आके उसको एंजॉय कर सकते हैं। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो बंदर हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो थोड़ा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली जब आप कुछ खा रहे होंगे। हमने अपने लिए यहाँ पर बनाना पैनकेक ऑर्डर किया था और जो इसका टेस्ट था वो आप इनके चेहरे की खुशी देख के पहचान ही सकते हैं। हालांकि एक मजाक था लेकिन जो वाकई में इसका टेस्ट था वो काफ़ी शानदार था। इसके साथ हमने कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी, कॉफ़ी मुझे यहाँ पर डिसेंट लगी। अल्टिपा बैनकल एंड कैफ़े। दोस्तों ये जो कैफ़े है ये भी आपका काफ़ी फेमस है। यहाँ पर भी आपके जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जैसे अजय देवगन और अरशद वासी, इन लोगों ने भी यहाँ पर विज़िट किया है और ये फेमस है दोस्तों अपनी लार्ज माउंटेन रेंज के लिए। काफ़ी स्पेक्टेकुलर व्यू आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों देखिए बिकॉज ऑफ कोविड जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके कारण आप जो दूरबीन से जो बेहतरीन माउंटेन रेंज दिखती है उसका तो लुफ्त नहीं उठा सकते। हालांकि आप यहां पर कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं खाने के लिए और उसके साथ आप यू नो रूफ टॉप में बैठिए और यहां से आप इस ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज का लुफ्त उठा सकते हैं। लाल टिब्बा के बैनकल कैफ़े में हैं और यहाँ से फ्रेंड्स जो व्यू दिखता है वो काफ़ी स्पेक्टेकुलर है। अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो एक तरफ से आपको जो फॉग है, जो धुंध है वो उठती हुई दिखेगी और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे पीछे अगर आप देखें तो एक कंप्लीट लैंडस्केप व्यू आपको देखने को मिलता है। जो सूरज है देखिए इस समय, क्योंकि देखिए मिक्स अभी मौसम हो रखा है, बरसात भी हो रही है और बीच बीच में धूप भी खिल जा रही है, तो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक पहाड़ों में अभी धूप खिली हुई है, उसके वजह से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। अब फ्रेंड्स खाने के साथ साथ आपको व्यू भी मिल जाए तो उससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। तो देखिए हमने अपने लिए यहाँ पर वेज सैंडविच ऑर्डर किया है और मॉकटेल ऑर्डर की है और एक कॉफ़ी ऑर्डर की है। इसके अलावा आप क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं, तो देखिए उसमें आप बन ऑमलेट ऑर्डर कर सकते हैं और डिज़र्ट में अगर आप खाना चाहें तो मफिन्स, केक वगैरह, पैनकेक्स वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि आप लोकेशन को आप देखिए, व्यू को एंजॉय करते हुए आप अपना जो ये मील है उसको काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ है इस प्लेस के बारे में, आप भी यहाँ पर आइए और स्पेक्टेकुलर व्यू का लुफ्त उठाइए और साथ साथ आप अपने मील्स को भी एंजॉय करिए।
फ्रेंड्स, ये है लंडौर का सिस्टर बाजार। वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश एरा में लंडौर को एज एन सैनिटोरियम यानी कि मेडिकल फैसिलिटी के रूप में बसाया गया था, तो उस दौरान जो नर्स थी यहाँ पर रहा करती थी, तो नर्स रहा करती थी उस कारण इसको सिस्टर्स बाजार कहते हैं, क्योंकि देखिए नर्स को सिस्टर्स भी बोला जाता है, तो इस कारण इस प्लेस का नाम सिस्टर्स बाजार पड़ गया। लंडौर बेक हाउस। दोस्तों, लंडौर बेक हाउस आपका फेमस है पॉपुलर बेकरी आइटम्स बनाने के लिए। यहाँ के डेजर्ट्स, बन, कुकीज़ वगैरह काफ़ी फेमस हैं। अब देखिए, इसको बने हुए हालांकि 2 से 4 साल ही हुए हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। अब इसके पीछे मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी बता देता हूँ। देखिए, 1830 में जो लोकल ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहा करते थे, वो अपनी एक कम्युनल ओवन में ओन ब्रेड बनाया करते थे। 1900 के आते आते जो ये लोकल रेसिडेंट थे ब्रिटिशर्स, इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी एक खुद की कुक बुक ईजाद करें, उसमें सारी रेसिपीज हम डालेंगे। अब जो ये लंडौर बेक हाउस है, जितने भी बेकरी आइटम्स यहाँ पर बनते हैं वो उस कुक बुक की रेसिपीज से आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड है। दोस्तों, लंडौर बेक हाउस के बगल में ही अनिल प्रकाश स्टोर, जो आप ये देख रहे हैं, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना, 100 साल से भी ऊपर का ये स्टोर है। और दोस्तों, यहाँ के जो पीनट बटर है, चटनी है और होममेड जो जैम्स है, ये काफ़ी दूर दूर तक फेमस है। लोग यहाँ पर स्पेशली इन होममेड आइटम्स को ख़रीदने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये जो पीनट बटर है और जो जैम है, इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, 1830 में लंडौर में जो अमेरिकन मिशनरीज रहते थे, ये पीनट बटर और जैम्स कमर्शियल स्केल पे यहाँ पर बनाया करते थे। तो आप कह सकते हैं जो अनिल प्रकाश की फैमिली है उसी रेसिपी को जिंदा रखे हुए है। तो लंडौर में जो आपका मौसम रहता है दोस्तों, वो आपका चेंज होता रहता है। आप देखेंगे मेरे पीछे अभी क्लाउड कवर आपका लगा हुआ है, थोड़ी देर पहले सूरज निकला हुआ था, बीच में आपकी हल्का बूंदाबांदी भी हो गई थी, तो मौसम जो है आपका चेंज होता रहता है। बट लेकिन एज अ टूरिस्ट आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब देखिए, लंडौर का जो सबसे ज़्यादा मज़ा उठा सकते हैं, एक जगह अपनी गाड़ी पार्क कर लीजिए, आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, शांति काफ़ी है यहाँ पर। और मैं आपको चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जो रहना है वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। 2 आपके यहाँ पर ऐसे होटल्स या होम स्टे हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, जो फेमस हैं, एक आपका रॉक बाय मैन्यो और दूसरा है लाविला बेथनी। हालांकि ये थोड़ा हायर साइड में है, जो उसके रेंट रहता है पर डे का अराउंड लाइक 10,000 से 12,000 आई बिलीव रहना चाहिए। पीक सीज़न में ये आपको और भी ज़्यादा चले जाता है, तो बेस्ट ये रहता है कि आप नीचे मसूरी में रहिए और यहाँ पर आप पूरा दिन स्पेंड करिए। तो मैं दिखा दूंगा अभी मसूरी में आप देखिए कहाँ पर रह सकते हैं। बजटेड होटल भी आपको मिल जाते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, अब जितना आपका बजट है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ है, और देखिए यहाँ पर इतनी शांति बनी हुई है, वॉक करिए यहाँ पर, एक्सप्लोर करिए, एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम। लंडौर में एक बेहतरीन दिन बिताने के बाद हम नीचे मसूरी आ गए। अब देखिए, मसूरी में हमने जो होटल लिया है वो है हमारा होटल मॉल पैलेस। अब देखिए, ये मेन मसूरी रोड पे ही आपको पड़ जाएगा, जिसे हम मॉल रोड भी बोलते हैं, तो उसी के नाम पे इस होटल का नाम भी रखा गया है। तो चलिए आपको इसका रूम भी दिखा देते हैं, रूम आपको चेकआउट करा देते हैं। तो आइए, यहाँ पर आपको की इंसर्ट करने को मिलेगा, जैसे आप इंसर्ट कर देते हैं तो देखिए ये आपके एंट्रेंस है। जो कबर्ड की पोजीशनिंग है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जस्ट आप बंद कर दीजिए,
देखिए कवर्ड आपको इसमें मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। आप अपना देखिए यहाँ पर लगेज वगैरह रख सकते हैं, शूज वगैरह नीचे रैक में आप रख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए जो प्लेसिंग है यहाँ पर एक आपको टेबल मिल जाती है। अब थोड़ा सा आप इस तरफ को आते हैं तो देखिए टीवी मिल जाता है और मैक्सिमम चैनल्स आपके इसमें आ जाएंगे सेट टॉप बॉक्स के साथ। और अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए क्वीन साइज आपको यहाँ पर बेड मिल जाता है इजीली, दो लोगों के लिए कंफर्टेबल। अगर बच्चा भी है आपके साथ तो वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए इस ये जो हमने रूम लिया है ये हमने विद एसी लिया है। वैसे देखिए एसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है स्पेशली अगर आप समर सीजन्स के बाद आते हैं यानी कि रेनी सीजन या विंटर सीजन में आते हैं तो उसमें आप देखिए हमें एसी भी प्रोवाइड किया गया है। और एक आपको टेबल मिल जाती है उसके साथ देखिए एक सोफ़ा और एक चेयर आपको बैठने को मिल जाता है विच इज़ गुड। और आपको इसके साथ फ्रिज भी दिया गया है अगर आपका मान लीजिए कुछ बेवरेज वगैरह है जिसको आप ठंडा रखना चाहते हैं वो आपको मिल जाती है। हॉट वाटर केटल आपको उसमें मिल जाती है, इसमें आप अपना पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। बालकोनी में आपको चेकआउट करा देता हूँ तो इस तरह से आपको खोलना पड़ेगा। आइए तो आप देखेंगे तो बालकनी में भी आपको एक टेबल प्रोवाइड की जाती है, दो चेयर मिल जाती है। अब जो बेस्ट पार्ट है यहाँ से देखिए आपको पूरा जो डून वैली का व्यू है अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट व्यू आपको देखने को मिलता है। तो देखिए सो विच इज़ वेरी गुड। तो फ्रेंड्स देखिए जो मॉल रोड में ये हमने रूम लिया है मैंने आपको दिखाया था मॉल पैलेस इसका इस होटल का नाम है। और एग्जीक्यूटिव ये रूम हमने लिया है विद बालकोनी जिसका टैरिफ जो है आपको अराउंड 2000 से 2500 के बीच में पड़ जाता है। जब आपका पीक सीजन रहता है तो उस समय आप मान के चलिए इसका टैरिफ 3000-3500 भी जाता है। बजटेड होटल भी हैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया था रास्ते में, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप यहाँ पर मसूरी में रूम ले सकते हैं। अब देखिए ये जो वीडियो थी ये सिर्फ लैंडाउ से रिलेटेड थी, हालांकि अगर आप मसूरी में अभी घूमना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ प्लेसेस हैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए हमने मसूरी का एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, ब्लॉग बनाया है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप सारी प्लेसेस देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया था कि मसूरी में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और क्या क्या आप मसूरी की मॉल रोड में खा सकते हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो ये मॉल पैलेस है ना जस्ट इसके नीचे ही आपको जो रोप है वो देखने को मिल जाता है। ये रोप पे आपको लेके जाता है गन हिल, वो एक और प्लेस है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, अच्छे व्यूज़ आपको मिल जाते हैं। फिर नीचे ही आपका शहीद स्मारक स्थल मिल जाता है जो ये आप ग्रीन कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं। तो ये भी देखिए इसका भी हमने रिव्यू किया था, इसकी भी हमने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मसूरी की आप वो देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इस मॉल पैलेस होटल की कि इस बालकनी से आपको काफ़ी स्पेक्टेकुलर व्यू देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी लैंडोर की। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।